नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून मैम, नमस्ते मैम, सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को एक बार चेक कर ले और थोड़ा सा चेक करते रहे कि अभी टेस्ट हम लोग ले रहे हैं तो बच्चे के पास कॉपी को छोड़ के कुछ नहीं हो, जो कॉपी बच्चा लिख रहा हो उसके अलावा कुछ नहीं हो और उसका भी पेज पीछे से पलटने की कोशिश बच्चा ना करे, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट है मेरा, और अभी आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके। 1 or 2 minutes more, 2 मिनट के अंदर हम लोग शुरू करेंगे। कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं, क्या बात है आराध्या झा, बोलो। मयंक राज, क्या दिक्कत है, जल्दी बोलो। टेस्ट के दिन तुम लोग टाइम किल मत करो, क्या दिक्कत है बताओ। मैम आपका फेस नहीं आ रहा, मैम पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। आवाज जानी जरूरी है ना, और कैमरा ऑन है, कभी कुछ इशू हो सकता है। मैम आवाज भी कट कट के आ रही थी, मैम कट कट के आ रही थी क्योंकि आपका नेटवर्क इशू था आराध्या, जब आपका नेटवर्क इशू होगा ना तो उस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। मयंक आप क्या कहना चाह रहे थे बताइए, मयंक राज बोलो बेटा। मयंक मैम रफ कॉपी में लिखना था। हाँ रफ कॉपी में लिखना है। सारे गार्जियन से एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों का अश्योर कर ले कि उनके सामने सिर्फ कॉपी हो, कोई भी बुक ना हो या दूसरी कॉपी ना हो, और वो बच्चे आपके बच्चे कॉपी को पलटे नहीं, मतलब कहीं से भी देख नहीं लिखे क्वेश्चन का आंसर। हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, जिसका कैमरा ऑफ है मैं उसे हटा दे रही हूँ। सबसे पहले अभिनव कुमार, हटा दूं तुम्हें, स्टार्ट करो, हटा दूं कि स्टार्ट करोगे, जल्दी बताओ। शुड आई रिमूव यू, हटा दीजिए, हटा ही दे, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ मैं, कैमरा जिनका ऑफ है मैं उन्हें हटाती जाऊंगी, बोलूंगी भी नहीं, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए और फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज है हमारा क्लास इस सब्जेक्ट का है, सोशल साइंस का है, ठीक है। डेट आज क्या है, आज डेट है
28 जुलाई 2021। ओके, इसके बाद आपका फुल मार्क्स है 20 और टाइम होगा आपका 20 मिनट्स ओनली, मैक्सिमम 20 मिनट्स आपका टाइम है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसर लिखती हूँ। ये सब कुछ भी आप लिख लेंगे और अपना नेम जरूर लिख लेंगे ऊपर में, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, राइट 5 sentences अबाउट क्वेश्चन। सारा उतार लेंगे आप लोग, क्योंकि मैं फिर मेन स्क्रीन में आ जाऊंगी तो ये हट जाएगा। अबाउट फैमिली, 5 sentence फैमिली पे, व्हाट इज फैमिली लिखना है आपको, ठीक है। व्हाट इज फैमिली पे 5 sentence लिखना है। ये मैंने शुरू में ही आपको याद कराया था, याद होगा, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उनको जरूर याद होगा। मयंक याद है आपको, शुरू में ही मैंने दिया था, याद है कि भूल गए हो। चलिए अब देती हूं मैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखती हूँ। ये भी मैंने क्या दिया था वही दूंगी आप लोगों को भी। Write the name of 5 states with their famous food items. ठीक है? Write the name of 5 states with their famous Write the name of 5 states with their famous food items. Okay. क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। राइट 5 principles ऑफ फूड। एक भी क्वेश्चन में बैक साइड एक्सरसाइज नहीं देने वाली हूँ। 5 5 principles of food, ठीक है। और अब है लास्ट वन,
क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द नेम ऑफ फाइव स्टेट्स विद देयर कैपिटल। क्वेश्चन देख लिया सारा चारों, फटाक से इधर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या क्वेश्चन चारों लिखिए ताकि मैं मेन स्क्रीन में आ जाऊं जल्दी। फटाफट चारों क्वेश्चन लिखिए। फाइव सेंटेंसेस अबाउट फैमिली, व्हाट इज फैमिली, पांच सेंटेंस लिखना है। दूसरा है फाइव स्टेट्स के नेम लिखने हैं और वहां का फेमस फूड आइटम लिखना है। जैसे बिहार लिखेंगे लिट्टी चोखा लिखेंगे, राजस्थान का क्या है, पंजाब का क्या है, वेस्ट बंगाल का क्या है, ऐसे करके पांच स्टेट्स के नेम और उनका फेमस फूड आइटम भी लिखना है। उसके बाद फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड पढ़ाया था मैंने, बताया था मैंने चैप्टर के अंदर से है। और चौथा है राइट द नेम ऑफ फाइव स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स। अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयर, मैं करती हूँ स्टॉप शेयर। लिख लिया आपने, नंदनी लिख लिया आपने, आज आपने रिनेम नहीं किया, मनोज नेम से आप आ रही है, रिनेम कर लेना चाहिए आपको। पंकज सिन्हा, कृति भारती, शाश्वत, जल्दी जल्दी सृजला लिखो लिखो फटाफट, इशिका, सविया, शुभम, सुहानी, रौत, गुनगुन लिखिए फटाक से, अशफाक, यसीन, राम रोशन, अभिनी आर्या, जल्दी लिखिए। गार्जियन इस चीज को अश्योर करें कि उनके बच्चे कहीं से देख के ना लिख रहे हो। गिरीश कुमार आप नहीं दिख रहे, कैमरे के सामने आइए। मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयर, कर दो। चलिए मैंने स्टॉप कर दिया है शेयर और मैं आ गई हूँ अब मेन स्क्रीन पे ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं इजीली। हैंड रेज नहीं करना है। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार पढ़ दे रही हूँ क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है फाइव सेंटेंसेस अबाउट फैमिली लिखना है, ठीक है, व्हाट इज फैमिली, पांच सेंटेंस लिख देना है। दूसरा है राइट द नेम ऑफ फाइव स्टेट्स विद देयर फेमस फूड आइटम। दूसरे में पांच स्टेट का नाम लिखना है और उसका फूड आइटम लिखना है। तीसरा है फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड और चौथा है फाइव स्टेट्स का नेम लिखना है और उसका कैपिटल लिखना है। फटाफट अभिराज हैंड रेज क्यों किया तुमने, क्या दिक्कत है बताओ। बोलो अभिराज, हैंड रेज बिना मतलब का मत किया करो सर। मैम बोलो, हैंड रेज मैं नहीं देखूंगी आज। चारों क्वेश्चन को मैंने चार बार पढ़ दिया, क्वेश्चन भी लिखना, आंसर भी लिखना, रफ कॉपी में लिखना है, इसी सारी बातों को रिपीट कर दिया, फटाफट लिखो आंसर। मैं नहीं देखने जा रही कौन रेज हैंड किया है, एग्जाम ओवर होगा उसके बाद रेज हैंड देखा जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए क्षेत्रज्ञ, शानवी, कुछ बच्चे हमारे लिख रहे हैं जैसे नंदिनी एकदम आराम से लिख रही, प्रतिभा भी लिख रही है, गुनगुन भी लिख रही, आदित्य मिश्रा लिख रहे हैं, सृजला लिख रही है, इशिका राज, शाश्वत राज, कृति भारती, हर्षिता, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं वो बच्चे लिख रहे हैं, उनको पता है कि हमको आंसर ही लिखना है। और बाकी बच्चे सिर्फ वैभव आप नहीं दिख रहे हैं, कैमरे के सामने आइए, वैभव प्रकाश, आराध्य कुमार सिंह लिख रहे हैं, मयंक लिख रहे हैं, हर्ष राज लिख रहे हैं, विशु लिख रहे हैं, गुड, प्रांशी लिख रही है, अनुष्का सिन्हा कैमरा ऑफ है आपका, कैमरा ऑफ नहीं रहना चाहिए बेटा। आंसू हर्षवर्धन भी लिख रहा है, बदमाशी नहीं कर रहा है, क्या बात है हर्षवर्धन, वेरी गुड। चलिए अब देखना यही है कि किसका सबसे पहले होता है, कोई बच्चा बिना लिखे हैंड रेज नहीं करेगा, किसी का कोई सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाली, किसी के किसी
सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाली, चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से जरूर पढ़ दूंगी। आप पहले पहला लिखिए, पहला क्वेश्चन है 5 sentences अबाउट फैमिली, दूसरा क्वेश्चन है 5 states का नेम लिखना है और उसके सामने फेमस फूड आइटम्स लिखने हैं, तीसरा है 5 principles ऑफ फूड और चौथा है राइट द नेम ऑफ 5 states विद देयर कैपिटल। चारों क्वेश्चन को 4-4 बार 5-5 बार मैंने पढ़ दिया है, अब नहीं लिखे तो कभी नहीं लिखेंगे। देखना है कौन सबसे पहले लिखता है। पहला क्वेश्चन है 5 sentences अबाउट फैमिली, दूसरा क्वेश्चन है 5 state का नेम और उसका फेमस फूड आइटम का नेम, तीसरा है 5 principles ऑफ फूड और चौथा है 5 states और कैपिटल का नेम। ये नैतिक पटेल, तेजस, शिवम, दीक्षा, नव्या, आप सबका कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? कैमरा ऑफ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मैं हटा दे रही हूं तब आप लोगों को। नव्या सिन्हा कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं हटा रही हूं तुम्हें जल्दी। शिवम राज कैमरा स्टार्ट करो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। Removed. Divyansh Kumar, start your video. Otherwise, I will going to remove you. Okay. He also removed. Natik Patel, start your camera. Okay. Removed. Natik also. शानवी भी लिख रही हैं, खुशी लिखिए फटाफट, अमन कुमार आदित्य कैमरा के सामने बैठिए। बुक किसी की नहीं खुली होनी चाहिए, कॉपी किसी की नहीं खुली होनी चाहिए, सारे गार्जियन ये देख ले कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम की तरह दें, देख के कहीं से ना लिखे। निश्चित रूप से आप लोगों के आसपास गार्जियन होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये चेक कर ले कि हमारा बच्चा खुद से लिख रहा है, कहीं से देख के नहीं लिख रहा। अविराज क्या गप्पे मार रहे हो, लिखो चुपचाप शांति से। इधर उधर नहीं देखना है। सुहानी कान में क्यों लगा रही हो, लिखो फटाफट। शिवम सिर पे हाथ रख के नहीं बैठते बेटा, सिर से हाथ हटा लीजिए, आराम से बैठ के लिखिए। शिवम गांधी, शांभा भी लिख रही हैं, आहाना आहाना आप क्या कर रही, लिखिए। आराध्या क्या दिक्कत है बेटा, लिखिए फटाफट। आराध्या कोई प्रॉब्लम है आपको, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए अगर प्रॉब्लम है तो। आराध्या कोई दिक्कत है बेटा, बोलिए। नो मैम, फटाफट लिखिए। नो मैम, नो मैम, फटाफट लिखिए। आवाज आपके घर से बहुत आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। सविया शुभम लिखो, शांभवी आहाना आहाना लिखो बेटा। कैमरा का पोजीशन सही करो आहाना, क्या ब्लैक नहीं दिखना चाहिए कैमरा, चेहरा दिखना चाहिए सबका। बहुत बच्चे फटाफट लिख रहे हैं, देखना ये है कि सबसे पहले कौन लिखता है। शिवानी वीडियो स्टार्ट नहीं है तो आपको भी रिमूव होना है, चलिए रिमूव कर ही देती हूँ, आप लोगों को शौक है रिमूव होने का तो चलिए। आपने कैमरा ऑन कर लिया तो मैंने रिमूव भी नहीं किया। हाँ आदित्य कुमार कहाँ बात कर रहे हो, लिखो फटाफट। याशी लिख रही है, गुड। अवनी आर्या लिख रही है, आर्यन कुमार लिख रहे हैं, समर राज इधर उधर ज्यादा कर रहे हो तुम। शानवी कुमारी, शानवी, आयुष, शिवम गांधी, प्रांशी, सारे बच्चे लिख रहे हैं। चलो फटाफट लिखो, मैं देख रही हूँ सबको, चेक ही कर रही हूँ, सिर्फ कॉपी पे नजर होना चाहिए। जो बच्चे चीटिंग करेंगे वो मुझे दिख भी जाएंगे कि चीटिंग कर रहे हैं, ये चीटिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे आप, ठीक है।
करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा बेटा। चलो फटाफट लिखो। हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया कंप्लीट हो गया बेटा, दिखाओ दिखाओ। मैम प्रिंसिपल ऑफ फूड मतलब, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड मतलब फूड जब हम लोग खाना बनाते हैं या खिलाते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो फाइव प्रिंसिपल्स आपको लिखने पढ़ना है, बुक में है, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं लिख पाएंगे। बच्चे हमारे पढ़ने वाले उनको कोई दिक्कत नहीं है और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले उनको दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए कोई कोई बच्चा कितना फटाफट लिख रहा है, वर्तिका आर्या सिंह भी लिख रही है, सौर्या प्रताप लिख रहा है, शांभा भी लिख रही है, अर्जुन लिख रहे हैं, प्रांशी, आराध्य कुमार सिंह, अनुष्का सिन्हा सब लोग लिख रहे हैं फटाफट। आराध्य किस सोच में डूबे हो, लिखो फटाफट, फर्स्ट करना है तुम्हें। ये है कि कौन बच्चा। आदित्य राज कैमरा ऑफ कर दिया आपने, क्या करूं आपको रिमूव कर दूं, कर ही देती हूं, आप चाह ही रहे हैं। तेजस आपने भी कैमरा ऑफ कर दिया तो रिमूव कर देती हूं, आप लोग चाह रहे रिमूव होना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नैतिक पटेल ने हैंड रेस किया, नैतिक बोलो बोलो बेटा, नैतिक बोलिए बाबू क्या दिक्कत है। मैं मेरे पास कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं है तो चंदा लगा दे सारे बच्चों से, सारे बच्चों से बोले 10-10 पैसा देगा, चाहे 2-2 रुपया 1-1 रुपया देगा और चंदा इकट्ठा करके तुम्हारी कॉपी खरीदा जाएगी। क्लास से निकलो, क्या कर रहे हो तुम क्लास में जब तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, तो जाओ क्लास से बाहर, जाओ बस बुक नहीं है कॉपी नहीं तो पढ़ने की बात है, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं कि तुम्हारे पास कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं है तो इसके लिए कोई और थोड़ी कुछ कर सकता है, इसमें तो आपके मम्मी पापा ही करेंगे ना, कॉपी खरीद के ला के देंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में कॉपी ही नहीं हो, एक भी कॉपी नहीं हो, रफ कॉपी नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता कि घर में एक भी कॉपी नहीं। चलिए फटाफट लिखिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट का टाइम बीत गया, लगता नहीं कि आज एक भी बच्चे की कॉपी चेक हो पाएगी। आप लोग अटके हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो बच्चा पढ़ा होता अभी तक कंप्लीट हो गया होता, इसका मतलब ना सानवी ने पढ़ा, ना आराध्य कुमार सिंह ने पढ़ा है, ना ही वर्तिका ने पढ़ा है, ना ही सौर्या प्रताप ने पढ़ा है, ना ही सौर्या शेखर ने पढ़ा है, बाकी बच्चे तो ऐसे ही नहीं पढ़ते। बादाम खाते हो, दिमाग तेज होना चाहिए तुम्हारा, कहाँ तक पहुंचे? मैम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हो तो ठीक है, चलो फोर्थ नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट लिखो।
दो बच्चों ने और हैंड रेज किया है, शांभवी सिंह बोलो। शांभवी शांभवी क्या दिक्कत है बोलो, हैंड रेज करिए, आवाज नहीं आ रही शांभवी आपकी, शांभवी आवाज नहीं आ रही बाबू, कंप्लीट हो गया है, यस और नो, कंप्लीट हो गया, आवाज नहीं आ रही चैट बॉक्स में लिखो। आदित्य कुमार बोलो, आदित्य चैट बॉक्स में लिखो शांभवी, आदित्य कुमार क्या दिक्कत है तुमको? मैम मेरा बस खत्म पे है। खत्म पे है तो हैंड रेज मत करो, खत्म हो जाएगा तब हैंड रेज करना। आराध्य कुमार सिंह आपका हो गया बेटा, हो गया। मैम ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो ये है, राइट फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड्स। फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, फाइव प्रिंसिपल्स मतलब जब भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं या फूड को बाय करते हैं तो कुछ चीजों को है ना ध्यान में रखते हैं। वो पांच चीजें क्या हैं? चैप्टर में हमने पढ़ा है, आपके ध्यान में नहीं है इसका मतलब ध्यान नहीं दिया है आपने, ऑब्वियसली याद करिए, और याद नहीं आएगा तो जब क्लास ओवर होगा तो आप बुक में देखिएगा। बाकी के क्वेश्चन चौथा लिखिए, थर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बताया था, व्हाट शुड बी नीडेड व्हेन वी prepare our food or going to buy our food, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, इसी क्वेश्चन में आप सब अटक गए। इट मीन्स आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, जब कल दे दिया गया था कि चैप्टर वन से लेके चैप्टर फाइव तो और पढ़ लेना है, तो क्यों नहीं पढ़ा? गलती आपकी है, और यही वजह है कि एक सिंगल बच्चा भी क्वेश्चन का आंसर लिख के तैयार नहीं हो रहा है, हर बच्चा हैंड रेज कर रहा है किसी किसी प्रॉब्लम के लिए। मयंक, मयंक कुमार बोलो, बोलो बेटा, मयंक बोलिए बाबू, क्या बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करिए पहले खुद को बेटा। नंदिनी, मयंक चारों क्वेश्चन, आई हैव कंप्लीटेड, वेरी गुड, मयंक आपका कंप्लीट हो गया। मयंक सीधा दिखाइए कॉपी, आप दिखाइएगा अभी, नंदिनी आप छोड़ दीजिए, मयंक की कॉपी देख रहे हैं हम लोग। मयंक दिखाइए बेटा, पास करिए, पास करिए, पास सीधा रखिए, हाँ गुड। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं थोड़े, बाकी सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा कैमरा को दूर करिए, हाँ दूसरा क्वेश्चन सही है लेकिन बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, सही है ठीक है, बाय। तीसरा भी सही है बट स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे हैं, है ना। चौथा दिखाइए, क्या लिखा है चौथा में आपने, बिहार पटना, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है, 20 में से आपको बहुत बहुत तो मैं 17 दे सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको सही करिए आप मिला के। नंदिनी दिखाइए बेटा, लेकिन सबसे पहले yes, क्लैप फॉर मयंक, सारो क्वेश्चन का आंसर किया इन्होंने, क्लैप फॉर मयंक, बहुत बढ़िया बेटा आपने कोशिश की है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 3 से 4 नंबर 17 दे देती हूं मैंने आपको, चलो 17 आउट ऑफ 20, लेकिन 3 नंबर स्पेलिंग पे बिल्कुल कटेगा आपका, बहुत ज्यादा मिस्टेक है, थोड़ा नहीं है। नंदिनी आप दिखाइए बेटा, थोड़ा सा नीचे करिए बेटा, नंदिनी हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, दूसरा क्वेश्चन सही है, गुड, चलिए पेज पलटिए बेटा, यस मैम, वेरी गुड, तीसरा क्वेश्चन टेक अ बैलेंस डायग्राम, गुड, कहीं से देख के तो नहीं लिखा होगा नंदिनी आपने? ओ मैम मैंने याद किया था, वाओ वेरी गुड, क्लैप फॉर नंदिनी, वेरी नाइस किटी, सी गॉट 20 आउट ऑफ 20, वेरी गुड, क्लैप फॉर नंदिनी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड मैम, मैंने चैप्टर रीड किया था, हाँ जिसने रीड किया था उसको दिक्कत नहीं होगी, जिसने रीड नहीं किया था उसको दिक्कत होनी ही है। हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया दिखाइए, नंदिनी आप सब बच्चे इसके लिए क्लैप करें, नंदिनी ने सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही लिख के दिखाया है। हर्षवर्धन दिखाओ, कहाँ घूम रहे हो, बैक कैमरा ऑन,
मैम पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है फिर आंसर। हाँ ठीक है, आंसर लिखा है तो आंसर दिखाओगे ना? मैम पहला मैंने थोड़ी लिख बोला था कि अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। क्वेश्चन वाज राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट फैमिली नॉट योर फैमिली। क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए ना मैम? गलत हो गया मैम। हाँ बोलो मैम। सेकंड सेकंड ठीक है, सेकंड ठीक है मैम। थर्ड में थोड़ा सा गलती हो सकता है। गलती हो सकता है थोड़ा, थर्ड तो पूरा का पूरा गलत है। फिश चिकन लिख दिए हो, यही प्रिंसिपल ऑफ फूड फूड है। मैम फिश में काटा होता है तो काटा निकाल के खाना होता है, चिकन में हड्डी निकाल के। ऐसा 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 कुछ नहीं होता, ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। मैम फोर्थ वाला पक्का सही है, फोर्थ वाला पक्का सही है, बिहार का पटना झारखंड वाला सही है। 10-20 में से 10। हर्षवर्धन यू गॉट 10 out of 20। ओके मयंक राज दिखाओ बेटा। यस मैम। विक्ट्री नहीं होता हर्षवर्धन, 20 में से 10 मिलता है तो उसको विक्ट्री नहीं कहते है ना, इम्प्रूवमेंट कहते हैं। हाँ वेरी गुड, आपने अच्छा लिखा मयंक राज, वेरी गुड। चलिए पेज पलटिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सही है, सेकंड क्वेश्चन जहां तक दिख रहा है वो सही है, पेज पलटिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन भी सही है और फोर्थ क्वेश्चन भी सही है। क्लैप फॉर मयंक राज, 20 out of 20। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू मैम, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। वर्तिका, वर्तिका आर्य दिखाओ बेटा। यस हर्षवर्धन कह रहा है कि बहुत मुश्किल से मिला है 10 by 20। तुम्हारे लिए 10 ही बहुत है क्या? 20 में 20 कोशिश करो ना हर्षवर्धन। आपका कैमरा क्लियर नहीं है, आप मुझे फोटो क्लिक करके वर्तिका आपका नहीं दिख रहा है। शाम्भवी, शाम्भवी आपका हो गया है तो दिखाइए। शाम्भवी हो गया है आपका, दिखाइए। पहला क्वेश्चन कहाँ है बेटा? राइटिंग थोड़ी और सुधारिए शाम्भवी, राइटिंग अच्छी नहीं लिख रही हैं आप। पहला ठीक है, चलिए पेज दिखाइए, पलटिए, नीचे भी ठीक है। हाँ तीसरा पेज दिखाइए, दूसरा पेज दिखाइए शाम्भवी, दूसरा पेज दिखाइए बेटा। अगला पेज दिखाइए, स्टेट से कैपिटल वाला पूरा कंप्लीट करिए, दो ही स्टेट दिखाना। अभी नहीं दिख रहा है बेटा, शाम्भवी भी दिख नहीं रहा है, आपका नेटवर्क इशू है, नहीं दिख रहा है। तीन क्वेश्चन सही है, शायद अगला भी सही होगा। अगला पेज दिखाओ, दो ही स्टेट दिख रहा है ना, गुजरात और पंजाब। अगला पेज दिखाओ ना, लिखी हो तो दिखाओ। 1, 2, 3, 4 ठीक है। पांचवा कहाँ है? 5 स्टेट था ना, गोवा पंजी। अच्छा चलो ठीक है, 18 out of 20 क्योंकि साफ साफ नहीं लिखा है तुमने, बाकी सही लिखा है बट साफ साफ नहीं लिखा है। आराध्य आपका हो गया क्या बेटा? आपने हैंड रेस किया है कि पहले से रेस था हैंड? मैम हो गया मेरा, ये देखिए हो गया। कैसे याद कैसे आ गया? चीटिंग की आपने, बच्चों का देख के लिखा। सच सच आपको याद ही नहीं था प्रिंसिपल्स ऑफ लिखा। सीधा करिए, कॉपी सीधी करिए, कॉपी सीधी करिए बेटा, कॉपी सीधी करिए, टेढ़ी है उसको पलटिए 90 degree पे। हाँ मैं नहीं देख पाऊंगी फिर, आप भेजो व्हाट्सएप पे, ऐसे कॉपी नहीं दिखेगी। हाँ सीधा कर, ऐसे नहीं दिखेगी बेटा, वर्टिकल करो, अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करो कॉपी को। आप खुद अपने कैमरे में देखो ना कैसे दिख रही है तुम्हारी कॉपी। हाँ सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो आराध्य, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपकी कॉपी। चलिए दिख रहा है, बिहार, पटना, पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट फूड देयर। नहीं आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। पहला पेज दिखाइए, चलिए फर्स्ट पेज दिखाइए। थर्ड आंसर गलत है, थर्ड आंसर गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है। 16 out of 20 थर्ड के लिए आपको एक नंबर दिया, बाकी में 5 में से 5 ठीक है।
अब है समर राज दिखाओ बेटा, समर राज मिस। चारों क्वेश्चन लिखा है आपने, चारों लिखा है तभी रेस करके रखे। हाँ तो दिखाइए फटाफट, आपका कैमरा क्लियर नहीं है, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। समर आपका नहीं देख पाऊंगी मैं, सानवी आप लोग फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजिए। सानवी दिखाओ बेटा, स्थिर रखो कॉपी को, दूर रखो। फैमिली इज बिग और स्मॉल, फैमिली इज टू मोर फैमिली हेल्प ईच क्या, ईच अदर होगा। आगे दिखाओ, अगला पेज दिखाओ बेटा। नहीं लिखा है आपने, है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह भी मिस्टेक है। आगे नीचे दिखाइए, नीचे नहीं दिख रहा है बेटा, ऐसे कैसे भेजते हो। वेस्ट बंगाल फिश एंड राइस, ठीक है, मक्के की रोटी सरसों का साग, ठीक है। पेज पलटो सानवी, जल्दी पेज पलटो, ठीक है। नजदीक करो कैमरा, नजदीक करो। तमिलनाडु डोसा सांबर, ठीक है। अगला पेज दिखाओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सही है, 18 by 20